सेवा सिमरन त्याग वैराग च जीवन जिस बताया, प्रेमा भगती करके जिसने वर परमेसर पाया, दीन दुनिया वाली सतगुर जिसदे सिरदा साई, माता चंद कौर दी करनी दा सबने जस गाया, माता चंद कौर दी करनी दा सबने जस गाया। माता जी का जन्म 1932 ईस्वी विच सरवण सिंह अते माता समा कौर दे घर होया। जन्म स्थान पिंड बुरज थरौड़ बठिंडा नानका पिंड। पिता जी का पिंड बाजा खाना बठिंडा सी। पिता नामधारी नहीं सी। नाना मन्ना सिंह श्री सतगुरु राम सिंह जी के समय तो नामधारी सी। आप जी के परिवार विच माता पिता तो इलावा आप समेत तीन भैणा अते तीन भाई सन। माता जी का पहला नाम करतार कौर सी। उन्होंने भैन भरावान का नाम बली सिंह, गुरदेव सिंह, गुरनाम कौर, गुरनाम सिंह, रशपाल कौर से। सतगुरु जगजीत सिंह जी का पहला आनंद बीबी रजिंदर कौर न होया सी, जो छेती ही चढ़ाई कर गए सन। दूसरे आनंद कार्ज वास्ते सूबा इंदर सिंह ने अर्ज की सतगुरु प्रताप सिंह जी को। 1945 माता जी मामा जी के नाल जप प्रयोग में श्री भैनी साहब आए। बीबी करतार कौर ने बहुत सेवा की। आनंद कार्ज वाली अर्ज प्रवान हुई। रोडे पिंड विखे 8 माघ 2002 बिक्रमी जनवरी 1946 में बसंत का मेला होया। अगले दिन 19 माघ में सतगुरु जी का आनंद बीबी करतार कौर न होया। संत प्रीतम सिंह जी ने अमृत छकाया, भजन दसिया संत रला सिंह जी ने। आनंद कार्ज तो बाद श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी ने माता जी का नाम करतार कौर तो चंद कौर कर दिता, क्योंकि श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी के सब तो छोटे भरा महाराज गुरदयाल सिंह जी की धर्मपत्नी का नाम भी करतार कौर सी। सो नाम बदल के चंद कौर कर दिता गया, जो बाद विच मूर्तिमान भी होया। आप जी दे श्री भैनी साहिब आउण तो बाद गुरु परिवार विच खुशियां खेड़े आ गए। माता जी किसान परिवार विचों होण करके हरेक तरह की सेवा करन विच निपुण सन। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी ने सहयोग नूह नूं हुकम कीता, बीबी गुरु घर की सेवा करिया करो। इस समय माई गोविंदनी, गुरनाम कौर, तेज कौर मंडी, माण कौर आदि सब सेवा विच जुट गए। अमृत वेले उठना, आसा दी वार चों आ के जल पानी छकना, फिर सारा दिन सेवा करनी, लंगर वास्ते दाने छंटने, श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी लई हाथ वाली चक्की ते आटा पीसना, गोहा कूड़ा करना। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद जद श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी ने गुरगद्दी संभाली, उदों भी मन विच कोई हंकार नहीं कीता कि मैं गुरु महल हाँ, सगों होर लगन नाल सेवा करन लगे। सिख सेवक बहुत सन, पर कदे भी आप सेवा तो पिछे नहीं हुए। सेवा दी रफ्तार होर तेज कर दित्ती। डेरा भैनी साहिब कच्चा ही हुंदा सी, लिपाई दा काम आप ने जिम्मे लै लिया। आले दुआले पिंडा चो गोहा कट्ठा करके लियाउणा, दुध दी सेवा अपने जिम्मे लै लई, सारे दुध का लेखा जोखा रखना। सेवा तो आप दे रोम रोम विच रची हुई सी। माता जी ने इमारत साजी विच बहुत योगदान पाया। मस्तानगढ़ आबाद किया, जीवन नगर कोठी, नीलो नहर वाले डेरे, श्री भैनी साहिब विच गौशाला, माइया का डेरा, नवा स्टोर, वर्णी स्थान, नवी कोठी, प्रताप मंदिर, श्री सतगुरु प्रताप सिंह अकैडमी, होस्टल, राम मंदिर, हरि मंदिर, जगजीत मंदिर अते आदि। श्री भैनी साहिब दे नव निर्माण पिछे माता जी दी ही भूमिका है। सारे भैनी साहिब विच माता जी दा पसीना मिलिया होया है। हुण तां इस धरती विच माता जी दा खून भी रचिया होया है। आप जी ने सतगुरु जगजीत सिंह जी दे अंतम संस्कार समय साध संगत नूं संभालिया। संगत जिथे डोल रही सी उत्थे माता जी उन्हां नूं तरवास दे रहे सन। सतगुरु जगजीत सिंह जी दे हुक्म अनुसार उन्हां दी देह अगन भेट करन तो तुरंत बाद सतगुरु उदय सिंह जी नूं गुरगद्दी ते सुभायमान कीता। 23 दिसंबर सतगुरु जगजीत सिंह जी दे निमित भोग समागम समय आप जी ने हाजरा हजूर सतगुरु उदय सिंह जी दे गले विच माला पाई, उन्हां नूं मत्था टेकिया
ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬੀਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਨਿਧਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਭਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਆ ਕਰਤੇ ਗਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ।